जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की, मैं समझता हूं इसमें आपकी और हमारी, हम सबकी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी है, संसाधन भी है और जागरूक आप जैसे अनेक नागरिक भी हैं। हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए। एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा, हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। जानकारों का कहना यह है, ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदु निकलते दिखते भी नहीं है, ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दें। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग चार नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता हूं ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। आप भी सबको यही बताइए, डरावने डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी चिंता करनी है। क्या हो गया लोग, किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ,
मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता, तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल, जी हां, मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए, तब भी कुछ हफ्तों तक उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए, या फिर वो मक्खी फल सब्जियां या खाने पे बैठ जाए, तो ये बीमारी और फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाएं जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था। और सुनिए, जिस तरह हम सब ने मिलकर हमारे दो बूंद जिंदगी के अभियान में शामिल होकर के भारत को पोलियो से मुक्त किया था, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन तीन कार्यों के द्वारा करें। पहला, अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें, और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या चाहें। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक आंख मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। देवियों सज्जनों नमस्कार, हम हैं अमिताभ बच्चन, और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे चार पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें, तो कहा सुना माफ कीजिएगा। तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन की ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के क्यों का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हम कर देते हैं जैसन बोले सब, हम कहा चलो हम कर देते हैं जैसन बोले सब, आवे देव करोना फिरोना ठेंगवा दिखाओ। नमस्कार।
विश्व पर इस समय एक बड़ा हमला हुआ है, जिससे पूरी मानवता शंकित भी है और पूरी मानवता कोशिश भी कर रही है कि हम इससे बचें। तो दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली है कि मनोबल क्षीण नहीं करना है, और दूसरे सतर्कता में 1% कमी भी नहीं करनी है। अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग संचार माध्यमों से जो सूचना मिली है, उन सब का अध्ययन करने के बाद मैं निजी रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पहली बात, ये वायरस हवा में ट्रैवल नहीं करता है, हवा में यात्रा नहीं करता है। इसलिए बाहर निकलते समय आप इस बात पर परेशान ना हो कि आपको ये वायरस पकड़ लेगा। दूसरा, मनुष्य से मनुष्य जो इसकी संवाद की दूरी है वो 1 मीटर की है, यानी कि 1 मीटर पर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो ये आप तक आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, इसे चलने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचने के लिए हमारे एक दूसरे के मिलने की आवश्यकता है, इसलिए सबसे पहले इसको काटा जाए, यानी कि अपने हाथ लगातार धोएं, बराबर धोएं, कि लगभग 15 से 20 सेकंड लगाइए हाथ धोने के लिए। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसकी मजाक भी बना रहे हैं, छुट्टी जाते हुए कोरोना मैया की जय या जो गाने बनाए जा रहे हैं। हमारा हास्य विनोद किसी भी प्रकार की विपत्ति में जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हास्य विनोद के कारण हम किसी भी प्रकार की विपत्ति को विनोद में उड़ा दें, ये बहुत गलत बात है। जैसे ही कोई बड़ी बात होती है, जानकारियों का एक बड़ा पिटारा सोशल साइट्स पर आ जाता है, व्हाट्सएप पर आ जाता है, फेसबुक पर आ जाता है, ट्विटर पर आ जाता है, तो इस प्रकार की जानकारियों पर भरोसा मत करिए। जो सरकारी संस्थान जानकारी दे रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो जानकारी दे रहा है, या भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, अपनी फेसबुक से जो जानकारी दे रहा है, उस पर ही भरोसा करें। आवश्यकता ना हो तो मास्क ना लगाएं, क्योंकि ये हवा में ट्रैवल नहीं करता है। किसी प्रकार के संसाधनों पर जोर ना डालें, और सैनिटाइजेशन करने के लिए सामान्य सैनिटाइजर लें। आपके घर में अल्कोहल होगा, आपके घर में स्प्रिट होगी, उसका भी सैनिटाइजेशन बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा भारी संख्या में इकट्ठे ना हों, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखें, खांसने के लिए सदा रुमाल साथ में रखिए, कुछ भी ना हो तो कोहनी लगा सकते हैं, अपना हाथ आगे लगा सकते हैं और उसके तुरंत बाद हाथ धो सकते हैं। आप सब जानते हैं कि हम इकट्ठे होकर लड़ तो सकते ही हैं। तो ये कोरोना पूरी दुनिया में कुछ भी करके आए, पराजित होकर भारत से जाना चाहिए, इसका भरोसा दिलाइए। और आज ही के बाद इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, सबसे ये बात कहिएगा, हाथ लगातार धोते रहें, मुंह पर कोई कपड़ा रखें खांसते वक्त, ज़रा सा भी आपको कोई परेशानी हो तुरंत आप स्वास्थ्य केंद्र फ़ोन करें, और पहला काम ये करें कि आइसोलेशन कर लें, स्वयं को अपनी निजता में ले जाएं, समाज से कट जाएं, परिवार से कट जाएं, किसी एक कमरे में रहें, उस समय पुस्तकें पढ़ें, इंटरनेट देखें, टीवी देखें, स्वयं को समृद्ध करें, आत्मचिंतन करें, और कोशिश करें कि मेडिकेशन के बाद स्वस्थ होकर ही समाज की चेन में दोबारा जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना।